दोस्तों कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो ये है कि उसका परफेक्ट मेजरमेंट, यानी कि उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या क्या कितने होने चाहिए, मतलब कि जो हमें दही लेनी है, छाछ लेनी है, बेसन लेना है या पानी लेना है, वो कितना कितना होना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका भी कढ़ी पकौड़ा काफ़ी जो है अच्छा बनेगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। और दूसरा ये है कि आपके अंदर एक सब्र होना चाहिए, यानी कि पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप कढ़ी बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप कढ़ी नहीं बना सकते, क्योंकि कढ़ी को आप जितना पकाएंगे, जितना सब्र से पकाएंगे, उतनी ही कढ़ी आपकी अच्छी बनकर तैयार होगी, वो भी बिल्कुल एकदम ढाबा स्टाइल। तो चलिए देख लेते हैं कि कढ़ी पकौड़ा एकदम परफेक्ट ढाबा स्टाइल कैसे बनता है। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके की पतीली चाहिए। तो पतीली के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे बेसन। ये एक कप बेसन लिया है मैंने, उसी के हिसाब से हम लेंगे दही। ये बिल्कुल खट्टा दही है, आपको भी जो है दही खट्टी लेनी है। आपके पास दही खट्टी ना हो तो आप इसको 7-8 घंटे के लिए, यानी कि ओवरनाइट के लिए दही को बाहर निकाल के रख दीजिएगा, क्योंकि जो कढ़ी होती है वो दही की खटास से काफी अच्छी बनती है। तो चलिए इसको सबसे पहले जो है हम बेसन और दही को अच्छे से मिक्स करते हैं। इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। ये मैं आपको जो है कढ़ी बनाने का बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही झटपट से आपकी जो है कढ़ी बनके तैयार हो जाएगी। देखिए बस इसी तरीके से हमने अच्छे से फेंटना है इसको। तो हमारा बेसन अच्छे से फेंट चुका है। बेसन फेंटने का जो एक पर्पस है वो सिर्फ ये है कि जो अभी हम आगे कढ़ी बनाएंगे, कढ़ी बनाने में हमें काफी आसानी होगी, क्योंकि कढ़ी बनाते वक्त कई दफा होता ही है कि इसके अंदर काफी लम्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से फेंट लेंगे तो हमारी कढ़ी के अंदर लम्स नहीं बनेंगे। अब इसके अंदर जाएगी यहाँ पे छाछ। ये तकरीबन 600 ml छाछ है, अगर हम इस बोल से नापेंगे तो ये 2 बोल है, ये डाल देंगे इसके अंदर। छाछ से जो है कढ़ी के अंदर काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा नमक बिल्कुल स्वाद के अनुसार, 1 teaspoon जाएगी हल्दी और तकरीबन 1 tablespoon लाल मिर्च का पाउडर। लहसुन ऑप्शनल है, अगर आप लहसुन डालना चाहें तो डालिएगा, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। लहसुन में डाल देते हैं। और ये है 1 medium size की प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप करा है। इसके साथ अदरक भी है और हरी मिर्चें भी हैं, ये भी डाल देते हैं। एक बारी और इसको सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें जाएगा फाइनली पानी। अब देखिए पानी जो है हमने इसके हिसाब से लेना है, इसी बोल के हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 सारे इंग्रेडिएंट्स हमने अच्छे से मिक्स कर लिए इसके अंदर। आप मेजरमेंट समझ गए, 1 बोल अगर हम लेते हैं बेसन का तो हमने उसके 9 गुना जो है पानी लेना है। आप पानी के अंदर जो है दही और क्या कहते हैं छाछ को इंक्लूड कर लीजिएगा, यानी कि हमने आपको बता दिया 1 बेसन और 9 पानी के, यानी कि 1 दही का, 2 छाछ के और 6 पानी के। इस तरीके से हमने यहाँ पे 10 बोल ले लिए हैं। तो इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसको फाइनली आप चूल्हे पे चढ़ाते हैं। जल्दी से चूल्हे पे चढ़ाते हैं। अब इसको हमने यहाँ पे जो है हल्के हल्के इसको इस तरीके से मिक्स करना है और यहाँ पे 1 उबाल आने तक हमने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। जब तक इसके अंदर 1 उबाल नहीं आएगा तो हम इसको हाई फ्लेम पे छोड़ देते हैं, ऐसे इसको पकने देते हैं। जब तक हमारी कढ़ी पक रही है इसको पकने देते हैं। आप एक छोटा सा काम कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इस तरीके की कोई भी वीडियो बनाए वो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। ये देखिए इसके अंदर अच्छे से बॉयल आ गया है, अब ये पकनी स्टार्ट हो गई है। अब इसको हम जो है लो फ्लेम पे कर देंगे और इसको पकने देंगे और ये तकरीबन पकेगी 1 घंटे के लिए, कम से कम 1 घंटा। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, आप इसको 1 घंटा पकाएं, 1.25 घंटा पकाएं, जितना ये पकेगी उतनी ही अच्छी हमारी कढ़ी बनेगी। कढ़ी का मतलब ये होता है काढ़ना, तो जितना ये कढ़ेगी उतनी ही अच्छी पकेगी। तो चलिए अब इसको जो है लो फ्लेम पर करके छोड़ देते हैं और जब तक हम अपने पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं।
अब कढ़ी को जो है हम दूसरे चूल्हे के ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस चूल्हे के ऊपर हम अपनी फुलकियों को फ्राई करेंगे। तो चलिए इसको लो फ्लेम के ऊपर रख के छोड़ देते हैं और जब तक हम अपनी फुलकियों का बैटर तैयार कर लेते हैं। अब फुलकियों का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे उसी बोल से जो है 1.5 बोल लिया है बेसन। इसके अंदर जाएगा गरम मसाला तकरीबन 1/2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, नमक बिल्कुल स्वाद के अनुसार, और 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसका एक पहले थिक बैटर तैयार करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। तो देखिए हमारा जो बैटर है बहुत ही अच्छे से फिट चुका है, बहुत ही बढ़िया करके इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह नहीं है इसके अंदर। तो चलिए इसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर रहा हूँ, उसकी जो कंसिस्टेंसी वो एडजस्ट कर लेंगे। एक बारी और अच्छे से इसको फेंट लेंगे। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से हो गई है इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आएगी। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये है प्याज, अदरक और हरी मिर्चें, बिल्कुल मैंने इसको फाइन चॉप करा है, इसको अच्छे से एक बारी मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा बैटर जो है बनके तैयार है। इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हमने इसको जल्दी से फ्राई कर लेना है। देखिए तेल को मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया था, ये मीडियम फ्लेम पे अच्छे से जो है तेल गर्म हो चुका है। इसको जो है फुलकियों को जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। पकौड़े का बैटर होता है ना वो थोड़ा सा पतला होता है, तो हाथ से आपको जो है कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप इसको जो है चमचे से कर लीजिएगा। तो इसको बस जल्दी जल्दी इस तरीके से जो है हिलाते जुलाते फ्राई करेंगे ताकि इसके ऊपर एक बढ़िया सा कलर आए। कंटिन्यूसली इसको जो है इस तरीके से हिलाते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे। और ये देखिए हमारी फुली के ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है, ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इसको जल्दी से निकाल लेते हैं ताकि हमारी फुलकियाँ जले नहीं। ये देखिए आप इसको चाहें तो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं किसी भी चटनी के साथ, हरी या फिर लाल। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कढ़ी भी हमारी तकरीबन पक के तैयार है। इसको जो है 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है पकते हुए कंटिन्यूसली, और बीच बीच में मैं इसको इस तरीके से स्टर कर रहा था ताकि नीचे से या साइड से कहीं से लगे नहीं। और ये देखिए हमारी एक परफेक्ट कढ़ी जो है बन के तैयार है। अब इसके अंदर हम अपने पकौड़े ऐड कर लेते हैं। फाइनली इसके अंदर जाएंगे पकौड़े। ये बढ़िया से मिक्स करने के बाद इसको जो है हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही लो फ्लेम पर पकने देंगे। जब तक ये पक रही है जब तक हम इसका एक बढ़िया सा तड़का तैयार कर लेते हैं। एक पैन में मैंने ले रखा है तेल, इसके अंदर डालेंगे साबुत लाल मिर्च, इसको जो है फ्राई होने देंगे पहले हल्का सा, ज़ीरा, हमारा बहुत ही बढ़िया सा जो है सिंपल सा एकदम तड़का तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर डालेंगे आखिर में हींग। ये देखिए और ये देखिए हमारा जो तड़का है वो रेडी हो चुका है। अब डायरेक्ट हम अपनी कढ़ी पर डाल लेते हैं, थोड़ा पीछे के डालेंगे वरना बहुत तेज़ जो है इसके ऊपर से छींटे उछलती हैं। ये देखिए ये और ये देखिए हमारी बिल्कुल वही ढाबा स्टाइल कढ़ी बनके तैयार है, वो भी एकदम चटपटी सी लग रही है ना, ज़बरदस्त। अब आप इसको चाहें तो रोटी के साथ या फिर चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं तो खैर आज इसको चावलों के साथ ही सर्व करने वाला हूँ।